खुल जा सिम सिम। तो अभी बैग्स वैग्स चढ़ाते हैं, गाड़ी का पूरा टायर फट गया एंड भाई आ गए। गुड मॉर्निंग सभी को, गेस हु इज बैक इन द होम, मैं बताऊंगा। एंड मॉम मॉम मम्मा कहाँ देखेंगे आज? कैसे हाउ इज द जोश? नमस्कार मरा। चलिए 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 चलिए, एक पोज इधर देना, एक पोज इधर दो, इधर देख के, इधर देख के। तो डैड ने कुछ मनाली से लाया, तो फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। एक यहाँ से हो गया, खुल जा सिम से। ये लेयर्स में है, एप्रिकॉट वगैरह, आड़ू जिसको हम बोलते हैं। तो जस्ट डिनर में ऐसा कुछ स्पेशल बनानी है एंड मैं बाहर गया था कुछ स्पेशल लाने, सॉरी जो वेजिटेरियन है, सॉरी उनके लिए। तेल लग, तो कढ़ाई चिकन बनाएंगे। सो हे गाइस, वेलकम बैक। अभी बज चुके हैं 7 बज चुके हैं, मैं टेरिस पे एंड वो रहा सनसेट। एंड जैसा कि आप देख रहे हैं, एकदम फ्रेश अप होके, दिल नहीं था फ्रेश अप होने का, बट फ्रेश अप का रीज़न भी था कि भाई फ्रेश क्यों हुआ, क्योंकि कहीं जा रहा हूँ घर के बाहर, जम्मू से बाहर थोड़ा जा रहा हूँ। तो व्लॉग में टिके रहिए एंड देखिए कहाँ जाता हूँ, क्योंकि ऐसे पहले ही डिस्क्लोज कर दूंगा तो इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा ना। सो व्लॉग में टिके रहिए। एंड आज मौसम एकदम एक नंबर था, इसलिए दिल नहीं था मेरा नहाने का, बट मॉम ने ज़बरदस्ती बोला कि भाई नहा ले। मॉम की बात फिर भी माननी पड़ी एंड मैं फ्रेश हो गया। एंड अभी भी कुछ कपड़े हैं जो मैंने पैक करने हैं, सो फटाफट से पैक करता हूँ, क्योंकि मुझे बस स्टैंड निकलना है, बस स्टैंड से ही बस पकड़नी है। सो मैं कपड़े पैक करता हूँ एंड जब निकलने का टाइम होगा तब आपको दिखाऊँगा थोड़ा जम्मू का नाइट व्यू। तो जस्ट मैं घर से अभी निकला एंड अभी बज चुके हैं 8:30। सो आधा घंटा अभी पड़ा हुआ है अपने पास, तब तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि 5-6 किलोमीटर ही है घर से। बाय बाय होम, सी यू सून। तो आपको नाइट लाइफ दिखाता हूँ क्या होती है जम्मू की। रही हमारी बस, तो अभी बैग्स वैग्स चढ़ाते हैं फिर सीधा डायरेक्टली बस में मिलता हूँ। तो फाइनली बस में स्लीपर में चढ़ गए एंड बस चल रही है। मैं भी थोड़ा आराम से बैठता हूँ, लाइट है नहीं, तो मिलता हूँ थोड़े से टाइम में। 2 hours later. देखा मैंने, देखा। तो अभी कुछ उल्टा सीन हो गया, मैं जस्ट सोया ही था एंड मैं बताता हूँ।
गाड़ी का पूरा टायर फट गया। 60-70 की स्पीड पे गाड़ी थी एंड गाड़ी पूरी हिल गई। थोड़ा एक पटाखा निकला, खाली एक पटाखा निकला गाड़ी का, उसके बाद तो गाड़ी ऐसे वाइब्रेट कर गई। बट जो ड्राइवर थे उन्होंने बचा लिया। तो टायर चेंज कर लिए बस का एंड अभी जस्ट यहाँ से निकलते हैं। तो देखा आपने क्या हो गया था भाई, और साइड पे ही डिवाइडर है, बट ड्राइवर थोड़ा एक्सपर्ट था, उन्होंने बचा लिया। तो एकदम अचानक ब्लास्ट सा हो गया। सो जस्ट निकलते हैं एंड आगे मिलते हैं ढाबे पे। तो अभी ऐसे ढाबे पे पहुँच गए एंड मैंने अपना छोटा सा किया एंड वापस चढ़ते हैं बस में एंड सो जाएंगे, उसके बाद डायरेक्टली चंडीगढ़ में उठेंगे। The next day. तो फाइनली चंडीगढ़ पहुंच गए। एकदम बुरी हालत हो गई थी नाइट में एक्सीडेंट के टाइम पे एंड भाई आ गए कैब लेके। रुक जा। फाइनली जहाँ पे मेरे को पहुँचना था वहाँ पे मैं पहुँच गया एंड अभी कुछ ऐसी डिड्डू माजरा वाली जगह पे आए हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर कर लेते हैं एंड आज नाइट ही दिल्ली के लिए निकलना है मेरे को। तो थका हुआ भी हूँ, रेस्ट भी करना है मेरे को एंड ब्रेकफास्ट नहीं किया, ब्रेकफास्ट भी करना है। बट उससे पहले मैंने सोचा चलो थोड़ा मार्केट घूम लेते हैं, तो फिर जाते टाइम ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेंगे। तो आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, तो व्लॉग को लाइक शेयर करना ना भूलें और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए।